हेलो गाइस, दिस इज अमन हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन कंपटीशन दुनिया विद अमन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में आपके नीट एग्जामिनेशंस के बाद काफी ज्यादा जानने की उत्सुकता होती है सभी फ्रेंड्स में यार कि कट ऑफ क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैं बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ में कोई ऐसा बना बनाया नहीं बताने वाला गाइस, पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे 2018 और 19 में क्या रेशियो रहा, क्या कट ऑफ का रेशियो रहा, कॉलेज वाइज देखेंगे कूपर हॉस्पिटल का क्या कट ऑफ रहा था, बीजेएमसी पुणे का क्या रहा था, ठीक है, और इस तरह से डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में देखेंगे। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर एनालाइजिंग दिस, साथ में दोस्तों आपको पता होगा अभी हाल ही में दोस्तों डिसीजन लिया गया था, जो आपका 70-30 का जो रिजर्वेशन चलता था ना, जो कि महाराष्ट्र को बेसिकली तीन डिविजन में बताया जाता था, लाइक बिदर्भ, उसके बाद था आपका मराठवाड और एक था आपका रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गाइस देखो, हम बिलोंग फ्रॉम झारखंड, सो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो या फिर गलत हो, सो बेसिकली यहां पर हम उसको देखेंगे, बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। और जो मैंने कहा था रीजन वाला जो था वो अब हो गया यार, वन महाराष्ट्र वन मेरिट लिस्ट, ठीक है, तो इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। एंड इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि क्या एक बेहतर स्कोर हो सकता है इस बार के लिए। मैं कोई कैटेगरी वाइज पूरा लंबा चौड़ा आपको चार्ट नहीं बताने वाला, मैं आपको बताने वाला हूं लाइक मिनिमम स्कोर, व्हाट कैन बी द मिनिमम स्कोर, एक जो एक लेवल स्कोर हो सकता है जितना आपको स्कोर करना है, जिससे कि आपको आपके स्टेट कोटास के कट ऑफ के अकॉर्डिंगली इजी रहेगा एडमिशन में, और 15% ऑल इंडिया कोटा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते गाइस, महाराष्ट्र का स्टेट कट ऑफ देखने वाले, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। एंड मेक श्योर गाइस, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो यार इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार मेहनत लगती है, आपके लिए मैं दिल से वीडियोस बनाता हूं। एंड लास्ट ईयर की तरह दोस्तों पूरी काउंसलिंग से लेकर आपके एडमिशन तक मैं आपके साथ चलने वाला हूं, सो आपका जिम्मेदारी है बस प्रेस द बेल आइकन, प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको यहां पर सबसे पहला जो मैं अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो आपको मैं पहले बता दूं, ठीक है। देखो महाराष्ट्र का कट ऑफ जाने से पहले ये सबसे पहले आप देखो 2018 से पहले हम लोग आते हैं 2019 एंड देन इस बार हमने 2020 का कट ऑफ जानना है। ऑलराइट, तो 2018 से 2019 में क्या देखा गया, नियर लाइक गाइस प्लस 50 मार्क्स का कट ऑफ में इंक्रीमेंट पाया गया था, ठीक है, 2018 से 19 में 50 मार्क्स का इंक्रीमेंट कट ऑफ में पाया गया था। और सेकेंड थिंग क्या था ना यार, 2018 और 19 में क्वेश्चंस का जो लेवल था उसमें भी डिफरेंस था, 2019 जो था वो क्वाइट इजी था, मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी था। सेकंड गाइस, स्टूडेंट्स के नंबर इंक्रीज हो रहे थे, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। कभी भी आप जो कट ऑफ की वीडियोस देखते हो ना गाइस, मेक श्योर कट ऑफ में बहुत सारे फैक्टर्स का रोल होता है, ठीक है, कट ऑफ डायरेक्टली नहीं होता। इस बार आपके अप्रोक्स 15-17 लाख कैंडिडेट्स फिल कर रहे हैं, यू मस्ट बी नोइंग गाइस पूरे इंडिया में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जहां फॉर्म फिल करा गया है गाइस, वो कौन सा स्टेट है, वो है आपका महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र 2 लाख प्लस कैंडिडेट्स सिंगल स्पेशली फ्रॉम महाराष्ट्र, तो ये मैटर करता है गाइस। तो ये सबसे पहला यहाँ पे बात है कि 2018 और 19 में 50 मार्क्स का जंप आया, लेकिन 2019 और बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा वो तो हम जानेंगे, लेकिन ये पहले ओवरव्यू आपको दे दिया मैंने कि क्या हिस्ट्री रही है, किस तरीके से ये चीजें चली है 2018-19 और अब 20 की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए 2019 को एनालाइज करेंगे, 2019 को एनालाइज करेंगे, ठीक है, जो कट ऑफ रहा था 2019 में उसको एनालाइज करेंगे, इसके आधार पे आराम से इजीली 2020 को निकाल सकते हैं, ठीक है। 2019 में क्या हुआ था गाइस, तो 70-30% का जो आपका रिजर्वेशन का जो रेशियो था ना उसके अकॉर्डिंगली था, जिसमें कि आपका स्टेट कोटा, रीजनल कोटा, जिसमें कि आपका विदर्भ आ गया, मराठवाड़ा आ गया एंड ROM रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र आता था, इस अकॉर्डिंग चलता था, तो मेरिट लिस्ट आपका बनता था स्टेट कोटास का, वो भी इसके आधार पर रिलीज होता था। लेकिन इस साल से जैसा कि मुझे पता है और न्यूज के अकॉर्डिंग मुझे पता चला है गाइस, अब महाराष्ट्र में सिंगल मेरिट लिस्ट बनने वाली इस साल से, और ये पास हो चुका है, तो इस बार ये सिस्टम नहीं चलेगा। अब आपको कट ऑफ की बात बताते हैं, 2019 में एग्जैक्टली कट ऑफ का क्या सीन था, 2019 में एग्जैक्टली कट ऑफ का क्या सीन था डिफरेंट हॉस्पिटल्स डिफरेंट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार आपके टॉप कॉलेज KEM के बारे में बात करेंगे, तो KEM के बारे में बात करेंगे आप दो, मैं बता रहा हूं लाइक फर्स्ट काउंसलिंग स्टेट की
और सेकंड काउंसलिंग यानी कि फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंगली क्या रेशियो रहा था। तो फर्स्ट लिस्ट में 638 वाज द लास्ट, ठीक है, लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट स्कोर, यानी कि ये कट ऑफ मार्क्स था, ठीक है, मार्क्स था 638 और सेकंड लिस्ट में 635, ठीक है। तो अगर केईएम में आपको जाना था तो यू नीड टू स्कोर दैट मच। उसके बाद आपको एनए आईआर नायर में भी सेम है, इसके बाद आपको कूपर का भी देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, कूपर का बता दूंगा मैं आपको, उसके बाद देख सकते हो आप बीजेएमसी पुणे का भी देख सकते हो। तो ये इन चार नामों को देख लेते हैं, समझने में के लिए काफी रहेगा, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ ओपन कैटेगरी जस्ट लाइक जनरल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद जो मैं 2020 का प्रेडिक्शन बताऊंगा या फिर मुझे क्या लगता है एनालाइज करके, उसमें मैं एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी का जिक्र करूंगा, तो घबराओ नहीं। तो केईएम की बात हमने कर ली, नायर की बात करें, एनएआईआर नायर की बात करें गाइस, तो यहां पे बहुत स्मॉल मार्जिन था, लाइक 611 मार्क्स में ना फर्स्ट लिस्ट में बंदे का चयन हुआ था, एंड सेकंड लिस्ट में ये 600 मार्क्स के अकॉर्डिंगली नियर अबाउट था, गॉट इट, 611 एंड 600 मार्क्स। कूपर की बात करें गाइस, तो 597 फर्स्ट लिस्ट की बात है, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में 597 नंबर जिन छात्र का आया था उनका हो गया चयन। सेकेंड लिस्ट में दोस्तों नियर अबाउट 4-5 मार्क्स का फर्क पड़ा एंड 593 मार्क्स तक का सिलेक्शन हो गया था। बात करते हैं बीजेएमसी पुणे की, बात करते हैं गाइस, तो यहां पर करीबन करीबन 604 या 605 के अकॉर्डिंगली था, ठीक है, जहां तक मुझे याद है 604-5 मार्क्स तक थे, और जो गया हुआ था वो था सेकेंड लिस्ट में 600 मार्क्स, ठीक है। अब ये दोनों लिस्ट मैंने बताया ना, ये फर्स्ट लिस्ट ये सेकेंड लिस्ट, कंफ्यूज नहीं करना आपको, ठीक है ना, ये फर्स्ट लिस्ट है, ये सेकेंड लिस्ट, फर्स्ट सेकेंड लिस्ट, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट, यानी कि ये वाला एक तरह से कट ऑफ स्कोर हो गया। और इसी तरीके से आपको सारे कॉलेजेस का मिल जाएगा लिस्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के देख सकते हो, हमारे वेबसाइट पे भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी सारे कॉलेजेस का लिस्ट। तो ये दोस्तों 2019 का एनालिसिस है, इसके अकॉर्डिंगली इसी के आधार पे मैं आपको 2020 का बताने वाला हूं। तो ये मत सोचना कि ऐसे ही कुछ भी बता दिया गया, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऑथेंटिसिटी के साथ बता रहा हूं मैं। तो ये 2019 को आप एनालाइज करके समझ सकते हो, और ये लिस्ट इसी तरह से चलते जाता है गाइस, काफी कॉलेजेस हैं, सबको तो मैं यहां नहीं बता सकता, बट ये लिस्ट आप 2019 को एनालाइज कर सकते हो। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे गाइस, इन सभी चीजों को देखने के बाद, और आपके रिजर्वेशन सिस्टम इस बार से तो खत्म हो रहे हैं, वन मेरिट लिस्ट निकलेगी आपकी, ठीक है, जैसा कि अभी तक पता चल पा रहा है। 2020 का एक्सपेक्टेड क्या होगा, अब देखते हैं 2020 में क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है, यानी कि इन द सेंस ऑफ कट ऑफ, ओके, टॉकिंग अबाउट कैटेगरी वाइज, जनरल बोलो या फिर ओपन कैटेगरी की बात कर लें, अगर हम अदर बैकवर्ड कास्ट की बात कर लें, मैं उतना ज्यादा इसको बायफोकेट नहीं कर रहा हूं, इसके और भी कैटेगरी है, बट मैं सिंपली इसको रख रहा हूं गाइस एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से, ताकि आप समझ पाओ एंड टू बी क्वाइट ओके। एक चीज और गाइस, काफी लोगों को कट ऑफ में थोड़ा कंफ्यूज आता है, एग्जैक्टली कट ऑफ क्या है, कट ऑफ वो स्कोर होता है गाइस, अगर आप नीट के क्रम में देखो तो एक मिनिमम स्कोर जो कि आपको लाना एलिजिबल है। यहां पर जो हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं या एडमिशंस की बात कर रहे हैं, लाइक इतने नंबर तक पिछले साल इसके आसपास के स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल गई थी, जरूरी नहीं है आपको जो स्टेट का टॉप फर्स्ट सेकेंड रैंक कॉलेज है वही मिले, कॉलेज मिल गई थी। सेम अकॉर्डिंग गाइस यहां पर जो मैं मार्क्स बता रहा हूं, इतना अगर आपका आता है इसके 5-10 नंबर ऊपर आगे पीछे, तो चांसेस आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, कौन से कॉलेज मिलेगी ये नहीं बता सकता है। और मिनिमम नंबर पे हमेशा आपको जो लास्ट की कॉलेजेस होती है ना वही मिलेंगी, टॉप के कॉलेजेस के लिए तो आपको 600 प्लस 580 प्लस 590 प्लस तो स्कोर करना होता है। तो मिनिमम मार्क्स टू बी स्कोर टू गेट अ कॉलेज इज क्लासिफाइड एज कट ऑफ फॉर एडमिशन, एक्सपेक्टेड कट ऑफ व्हाट वी टॉक हियर, ऑलराइट। तो ये कंफ्यूजन काफी लोगों को हो जाता है, तो ये डाउट से आप बच के रहोगे। सो टॉकिंग अबाउट दिस जनरल कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू माई व्यू गाइज, अगर आपको एक अच्छे से कॉलेज में चाहिए तो यू नीड टू गेट 515 टू 520 प्लस, स्टेट कोटास की बात हो रही है, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट कोटास की हम बात कर रहे हैं, 85% स्टेट कोटास की हम बात कर रहे हैं, ऑलराइट, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी की बात करें गाइज, तो नियर अबाउट 480 प्लस इज द गुड स्कोर टू बी स्कोर्ड फ्रॉम ओबीसी कैंडिडेट्स। एससी की बात करें गाइस,
तो अप्रॉक्स गाइस 370 टू 375 इज द गुड स्कोर. एंड टॉकिंग अबाउट द एसटी कैटेगरीज, जस्ट टेक इट एज व्हाट आई थिंक गाइस, इट्स पर्सनली माय व्यू, माय एनालिसिस. इट कैन बी रॉन्ग, इट कैन बी करेक्ट. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द फाइनल और द रियल कट ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग डेज. बट यस, what I think after the analysis, after the deep study, and after the all the datas which I saw of last year, I came to this conclusion. So that I mentioned this, ठीक है? तो कोई ये नहीं सोच रहा ना यार कैसे? तो अगर आप 520 के 15 के आसपास लाते हो, तो आप एक सेफ जोन में रहोगे, चांसेस आपको सीट मिल जाएंगी. वही बात करें ओबीसी कैटेगरी से, तो यार 480 प्लस लाते हो तो चांसेस है सीट मिलने की. एससी कैटेगरी की बात करें गाइस, तो 370 से 375 प्लस इज अ गुड स्कोर. एंड एसटी कैटेगरी की बात करें तो 275 से 280 एक अच्छा स्कोर है गाइस. दीज ऑल आर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना? दीज ऑल आर एक्सपेक्टेशंस. मैंने आपको यहां पर गाइस 2018 से लेके कंपेयर 2019 का एनालाइज भी दिया, एंड देन वी आर कमिंग टू दिस कंक्लूजन ऑफ 2020. आई होप बातें समझ में आ गई होंगी गाइस. वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक कर सकते हो. वीडियो अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो तो बेझिझक शेयर करो. लेकिन सबसे जरूरी बात, चैनल सब्सक्राइब कर लेना. इस तरह के मजेदार वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, काउंसलिंग को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, आपके रिजल्ट्स को लेकर के, आपके बोनस मार्क्स वाले क्वेश्चंस को लेकर के, आपके एडमिशंस के, जो कॉलेजेस के रिव्यूज है, फीस स्ट्रक्चर्स है, सभी चीजों पर हम वीडियोस डालने वाले गाइस. तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल. This is the one signing off. This much for today. Thanks a lot for watching our video.